ये इलाका दहेज में दे दिया गया। 1661 में ईस्ट इंडिया कंपनी को आज के सबसे महंगे शहर खान, एक जाने माने साइंटिस्ट जिन्होंने हर्बल मेडिसिन के क्षेत्र में सराहनीय योगदान दिया है। पिछले 40 सालों से आप नायाब जड़ी बूटियों को लेकर बहुत सारे प्रयोग करते रहे हैं। आपने अपने अथक प्रयासों से एक ऐसी रिसर्च को अंजाम दिया है जो लोगों को उनकी बीमारियों में राहत देने का कार्य कर रही है। आपकी ये रिसर्च गंभीर लाइलाज बीमारियों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आई है। आइए सुनते हैं इस रिसर्च के माध्यम से लोगों के राहत पाने की कहानी उनकी जबानी। माई नेम इज मिसेस बेला टोलो, आई एम कमिंग फ्रॉम बोरोवली। मुझे 8 साल से मेरे को हार्ट में गैप है और डॉक्टर ने बोला ये ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग तक लेना पड़ेगा, इसका ना तो ऑपरेशन होएगा कुछ भी नहीं होएगा, सिर्फ जो गैप है वो वहीं पे स्टॉप होएगा, आगे बढ़ेगा भी नहीं घटेगा भी नहीं। और उसके बाद में फिर मेरे को ये सब पेन चालू हो गया तो फिर उसने मेरे को दूसरा डॉक्टर के पास भेजा, फिर उसने 2-3 एक्सरे निकाला तो उसने बताया अभी ये जो प्रॉब्लम है ये तुम्हारा प्रॉब्लम ऐसा ही रहेगा, यानी कम ज़्यादा होएगा लेकिन दवा चालू रखना पड़ेगा वो भी लाइफ लॉन्ग तक, ये कभी कम्प्लीटली क्योर नहीं होएगा। तो उसके बाद में मैं बहुत जगह में घूमी, बहुत कम से कम 2-2.5 लाख में खर्चा करी। डॉक्टर का दवा तो कुछ काम ही नहीं करता था, मेरे को लगता ही नहीं था बिल्कुल। फिर मैंने वो साइंटिस्ट मुनीर खान का इंटरव्यू देखा टीवी पे, तो फिर मैं मेरा लड़की को लेके यहाँ पे आई तो मैं साइंटिस्ट मुनीर खान से मिली तो उनके डॉक्टर को रिपोर्ट्स बताई, रिपोर्ट देखा तो उन्होंने बोला कि ये दवा तुम ले लेना, इससे आपको फ़ायदा होएगा। और फिर जैसा मैं पहला डोज ली तो मेरे को पहला ही डोज में बहुत फ़ायदा हो गया, यानी जो दर्द था मेरा दर्द तो बिल्कुल निकल गया और मेरे को खाना भी कुछ नहीं चलता था तो स्लोली सब खाना भी चालू हो गया। और तब से लेके अभी मेरे को अगले महीने में 1 साल होता है, मेरा अभी 3रा बटली चलता है और मेरे को बहुत ही फायदा है। आई रियली थैंक टू हिम रियली एंड गॉड ब्लेस हिम एंड गिव हिम अ लॉन्ग लाइफ सो दैट मेनी पीपल शुड कम टू हिम एंड दे शुड गेट क्योर फ्रॉम हिम। रियली आई थैंक्स साइंटिस्ट मुनीर खान। बीमारी से क्या मतलब है? बीमार ठीक हो जाता है, जब बीमार ठीक हो जाता है तो बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। मेरा नाम इस्माइल कमाल है, मैं कुर्ला में रहता हूँ बम्बई में, और मुझे घुटनों का प्रॉब्लम था, मैंने घुटने में दर्द होता था तो मैंने इलाज तो नहीं करवाया क्योंकि मुझे एलोपैथी पे विश्वास नहीं है, उससे साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं कभी एलोपैथी की दवा लेता भी नहीं हूँ। ज़्यादातर मैं यूनानी दवा का इस्तेमाल करता हूँ, कभी कभार मुझे प्रॉब्लम होता था लेकिन उससे भी मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद में मैंने हमारे एक दोस्त हैं देवीलाल जैन बोल के, साइंटिस्ट मुनीर खान से उन्होंने दवा ली, उनको घुटनों का प्रॉब्लम था, उनको ब्रेन का प्रॉब्लम था, आँखों में कमजोरी थी उनके और उनको डायबिटीज़ था, तो उसकी उन्होंने दवा ली, उनको फ़ायदा हो गया उससे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम भी, और उनके भी और दोस्त लोग थे उनका भी यानी घुटनों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप भी साइंटिस्ट मुनीर खान की दवा ले लो आपको भी फ़ायदा होगा। तो उसके बाद मैं मुनीर खान साहब के पास आया, उनके डॉक्टरों ने बॉडी रिवाइवल लेने की मुझे सलाह दी, उसके बाद मैंने बॉडी रिवाइवल ली और उससे 4 डोज मैंने पिए, उसके बाद मुझे ऐसा ऐसा फ़र्क महसूस हुआ। और उसके पहले मुझे और एक प्रॉब्लम थी जो मेरे बॉडी में वीकनेस बहुत रहती थी, मैं 4 घंटा काम करने के बाद थक जाता था, उसके बाद मैंने जब वो दवा ली तो आज मुझे घुटने का दर्द भी आज मेरा ख़त्म हो गया और उसके बाद आज मैं 16 घंटा काम करता हूँ और मुझे आज भी फुर्ती महसूस होती है बिल्कुल, यानी ज़रा भी मुझे सुस्त वगैरह लगता नहीं है, पूरा दिन बाकायदा मैं मेहनत करके काम करता हूँ और काम करने में ज़रा भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, कोई परेशानी नहीं होती। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी लोग यानी इस परेशानी या बीमारियों में मुबतला है उनको
ये दवा लेने से उनको फायदा पहुंचे। मैं ये दवा इस्तेमाल करने के बाद में मेरी यानी जो जहां तक मेरी समझ में आया है कि अल्लाह ताला ने इनकी दवा में शिफा रखी है, तो अल्लाह ताला ये मुनीर खान साहब जो है इनको लंबी उम्र दे और इनकी दवा से लोग लाखों लोगों का भला हो, लाखों लोगों को फ़ायदा पहुँचे और जितने भी लोग हैं इस दुनिया में जितने लाइलाज बीमारियाँ हैं उनकी दवा से वो उनको शिफा मिले और यही मेरी दुआ है। मेरा नाम गोविंद टिलवानी है, मेरे पिताजी का नाम उत्तम टिलवानी है, मैं अंधेरी मुंबई का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी को प्रॉब्लम हुई थी हार्ट ट्रबल और गॉल ब्लैडर स्टोन की, तो हमने उनको डॉक्टर के एडवाइस पर एडमिट कर दिया। वहाँ पे करीबन 15-20 दिन के बाद जब डिस्चार्ज हो गए, थोड़े दिन के लिए ठीक थे, पर 2 महीने बाद फिर उसको तकलीफ हुई, फिर वही हार्ट ट्रबल हुई, फिर वही डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। हॉस्पिटल में बम्बे में एडमिट होने के बाद खर्चे की कमी नहीं होती है, 1.5-2 लाख तो ऐसे ही चले जाता है, ऊपर से टाइम, एनर्जी, फैमिली अपसेट, ये सब मिलाते मिलाते बहुत मेंटल हैरेसमेंट हो गया था। साइंटिस्ट मुंजी खान के बारे में मुझे तब पता चला जब मैं एक फ्रेंड के ऑफिस में बैठा था और उसे डिस्कस कर रहा था मेरे फादर के बारे में, तो उतने में उनके एक दोस्त आ गए जो ट्रैवल्स का धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो बैठे थे, उन्होंने सुना, उसने बोला आप इनके पास चले जाइए, ये मेडिसिन बहुत अच्छी है, ये एकदम आपको एकदम तुरंत काम आ जाएगी और उसमें आपको कोई ऑपरेशन कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब मैं यहाँ पहली बार आया और साइंटिस्ट मुंजी खान को मिला और उनके डॉक्टरों को मिला, रिपोर्ट दिखाया, तो उन्होंने रिपोर्ट चेक करके बोला ये आराम से ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये बॉडी रिवाइवल मेडिसिन ले लीजिए, ये टॉनिक है, ये पूरा बॉडी को रिवाइव कर देगा, आप कंफर्टेबली ठीक हो जाएंगे, इनको कोई ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने ट्राई किया, उन्होंने बोला एलोपैथी पूरा बंद करना है, हम डर गए, बोला जो आदमी एलोपैथी कैसे बंद कर सकता है, उसने बोला आप ट्राई तो कीजिए, आप एक एक करके कम कर दीजिए, एक साथ मत कम कर दीजिए। उनके बोलने के हिसाब से हमने आस्ते आस्ते एलोपैथी कम कर दी और हम लोग सरप्राइज हो गए उसके रिजल्ट्स के, बॉडी वाकई रिवाइव हो गई, आज डैडी पूरा वॉक कर सकते हैं, गार्डन तक जा सकते हैं अकेला, ये उम्र में भी जाके नीचे 3 माला से नीचे उतर सकते हैं हमारे घर से, ऊपर चढ़ सकते हैं, जो आदमी हॉस्पिटल को अफोर्ड नहीं कर सकता है और उसकी तकलीफें लेने से अच्छा ये टॉनिक लेना बहुत अच्छा लगा मुझे। नहीं, बॉडी के सारे डिपॉजिट निकाल देती है, सारे ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन में आ जाते हैं, जो श्रिंकेज पार्ट है वो अपनी पोजीशन ले लेगा, एनलार्ज पार्ट अपनी पोजीशन ले लेगा, सारी पाइपलाइन क्लीन हो जाएगी, कोई भी वायरस सर्वाइव नहीं करेगा, तो अपने आप ही पेशेंट ठीक हो जाएगा। नेचर हमारे लिए वरदान है, नेचर में व्याप्त हैं ऐसी जड़ी बूटियां जो हमारे लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकती हैं। साइंटिस्ट मुनीर खान ने भी नेचर को स्वास्थ्य लाभ के लिए इस्तेमाल किया है। अगर आप भी इस रिसर्च से लाभ लेना चाहते हैं या अपनी किसी समस्या के बारे में साइंटिस्ट मुनीर खान से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर सुभाष डी शाह, मैं पिछले 40 साल से मेडिकल प्रोफेशन में हूँ, मैं खुद MBBS डॉक्टर हूँ, मैं पुणे डिस्ट्रिक्ट में बारामती तहसील में मेरा खुद का हॉस्पिटल है। 14 साल पहले मुझे ये डायबिटीज का डिटेक्शन हो गया, तो मैंने बीइंग अ डॉक्टर मैं खुद हर एलोपैथिक के मेडिसिन ट्राई किए, लेकिन मेरा ये मान और जब शुगर का भी कंट्रोल किया, लेकिन मेरे शुगर ब्लड शुगर 190 से नीचे कभी आती नहीं थी। 1 जनवरी से मुझे एक्यूट ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम शुरू हो गया, ये नीप जॉइंट का पेन बहुत थे, मैं वो 5-10 पाउल भी चल नहीं सकता था, मेरा वेट भी बढ़ गया था। वो दिन मुझे पूरा याद है, मैं रात में कुछ बहुत देर से सो नहीं सकता था और मैंने 12:30 बजे साइंटिस्ट मुनीर खान का प्रोग्राम चालू था टीवी पे और मुझे ऐसा इंटरव्यू थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा, तो मैंने पूरा इंटरव्यू देखा, तो मैं साइंटिस्ट मुनीर खान को मिला, उनको सब बताया कि भाई ऐसा ऐसा है, ये मेरे प्रॉब्लम्स है, बीइंग अ डॉक्टर मैंने एलोपैथी ट्राई किया है, होम्योपैथी ट्राई किया है, लेकिन अभी तक मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन आपका मैंने इंटरव्यू देखा और मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे लिए कुछ तो भी करेंगे।
तो उन्होंने मुझे देखा, मेरे रिपोर्ट्स करे और उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब अगर आप मैं जो दवाई देता है वो पूरे इंस्ट्रक्शन के साथ अगर आप देंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पहला डोज लेते ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे बॉडी में कुछ तो भी चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन कुछ तो भी हो रहा है ऐसा मुझे हलचल लगे और मैंने वही हिसाब से दो दिन के बाद दवाई लेना चालू रखा तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा पेन कम होते जा रहा है। जब मैं 5 कदम भी नहीं चल सकता था उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ गया था। और देखो पहली बॉटल ख़त्म होते ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे 50% रिलीफ मेरे घुटने में आ गया, लेकिन जब मैंने 2 सेकंड बॉटल चालू किया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा शुगर है वो 100 के पास आ गया है फास्टिंग, और ये पोस्ट पेंडल है वो 190 के पास आया है बिना कोई एलोपैथिक दवाई लेके। ये बोलते हैं बॉडी रिवाइवल, लेकिन मैं उसको बोलूँगा ये संजीवनी है। संजीवनी इसका मतलब है जिधर भी आपको कौन सा भी डिसीज है उधर ये संजीवनी लगती है तो तुम्हारा डिसीज क्लियर हो जाता है। मुनीर खान साहब जो काम कर रहे हैं उससे तो दूसरे बहुत से लोग जलन हो रहा है उनसे कि भाई ये कैसा डॉक्टर है ही नहीं, वो खाली साइंटिस्ट है और ये इतने सारे बीमारी का क्लेम ले रहा है, वो ऐसा सभी जगह मेरी चर्चा सुनी। लेकिन मुझे वो ये निवेदन करना है कि भाई आदमी कोई नहीं, ये डॉक्टर है वो जो मानवता के लिए अच्छा काम करता है उसे सभी ने सपोर्ट करना मांगता है। मैं ऐसा भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि मुनीर साहब को लंबी उम्र दो। मैं ZH खान, जिला नागपुर काटोल से, 9 जनवरी 2009 को मुझे हार्ट अटैक आया, मुझे फौरन हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। डॉक्टर लोगों ने कहा एंजियोप्लास्ट करना पड़ता है। दूसरे दिन सुबह में एंजियोप्लास्ट की तैयारी की गई, मुझे ऑपरेशन थिएटर ले गए। 15 या 20 मिनट के बाद में मुझे ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया। मैं डॉक्टर लोगों से पूछा कि भाई क्यों, क्या हुआ है, तो कहा कि ब्लॉकेज ज्यादा होने के वजह से एंजियोप्लास्ट नहीं हो सकता, बाईपास करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे बेड पर डाल दिया गया। दूसरे दिन ये जो जहां से एंजियोग्राफी हुई थी वो जगह सूज फूलना शुरू हो गई। मैं डॉक्टर लोगों से पूछा कि ये सब क्या है, तो बोले हिमोटोमा है, 2 रोज में ठीक हो जाएगा। 2 रोज करते 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 9 दिन बीत गए, वो ये मांडी की हालत ये हो गई कि ऐसा लगता था कि धक्का लगेगा और फूट जाएगी। जहां से एंजियोग्राफी हुई थी वहां पर करीब 1.5 इंच मोटी और 5 इंच लंबी ऐसी गांठ पैदा हो गई। रेडियोलॉजिस्ट आए, उन्होंने सोनोग्राफी की, सीडी मेरे साथ में है अभी, सोनोग्राफी की, और सोनोग्राफी करने के बाद में उन्होंने कहा ये जो मेन आर्टरी जहां से आपकी एंजियोग्राफी हुई थी ये कट की गई लेकिन इसको जॉइंट नहीं हुई और ये कम्प्लीटली इसका ब्लड का फ्लो जो है ये शुरू है, और ये फ्लो शुरू है इस वजह से ये आपकी मांडी इस ढंग से फूल गई। फिर डॉक्टर से मैं पूछा कि ये इसके लिए इलाज क्या है, डॉक्टर ने कहा कि ठीक है इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन में आप क्या करोगे, बोले इसको ओपन करेंगे, ओपन करके जहाँ से एंजियोग्राफी की गई है ये उस जगह को हम गांठ बांध देंगे। बीइंग ए स्टडियस पर्सन मैं समझ गया था कि जब आप गांठ बांधोगे तो नीचे का फ्लो बंद हो जाएगा, मुझे पैरालिसिस हो जाएगा। पता नहीं कैसे मेरे हाथ में रिमोट आया और मैं रिमोट की बटन दबा दी। जैसे ही टीवी शुरू हुआ साइंटिस्ट मुनीर खान का इंटरव्यू शुरू था और उसमें हार्ट ब्लॉकेज ऐसे लफ्ज जैसे आया तो मैं थोड़ा सा माइन्यूटली उसको सुनने लगा। उठना नहीं होता था मुझसे, मेरी मिसेस यहाँ पर आई, मेरी फाइल, मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स, सीडी, सारी चीज़ें यहाँ पर साथ में लेके आई। साइंटिस्ट मुनीर खान साहब की डॉक्टरों की जो टीम थी उनसे मुलाकात की, उन्होंने बड़े माइन्यूटली सारी चीज़ों को देखा, सारे रिपोर्ट्स जांचे और उन्होंने सलाह दी कि आप बॉडी रिवाइवल लीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे।
दवाई लेकर के मेरी मिसेस अपने गांव पहुंची। एक चम्मच दवाई पेट में गई, कुछ हरकत सी नजर आई, क्या हो रहा था कुछ समझ में नहीं आया। दो चम्मच दवाई पेट में गई और मैंने मार्क किया कि ये जो स्वेलिंग जो था ये डाउन हो रहा है। अब तीन चम्मच दवाई पेट में जाने के बाद में ये हालत हुई कि मैं अपने बेड से उठ करके बाथरूम तक जा सका, जबकि मैं उठ भी नहीं सकता था। और चार चम्मच दवाई पेट में जब मेरे गई, आपको यकीन नहीं आएगा, बाकी बखुदा मैं सच कह रहा हूं, मैं थर्ड फ्लोर से नीचे उतर गया। ये कुदरत ने खान साहब के जरिए से मुझे ये बोनस में दी हुई लाइफ है। बस अल्लाह पाक उन्हें खूब जिंदगी अता करे, खूब शफा अता करे, बस यही दुआ करता हूँ। गॉड गिफ्ट, अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छा है, पेशेंट तो ठीक हो जाता है ना। और दिस इज माई प्राउड प्रोजेक्ट, मेरे लिए फख्र की बात है कि अगर ये गॉड गिफ्ट है तो कि सारी दुनिया के 700 करोड़ लोगों में नेचर ने जो गिफ्ट मेरे को दिया, पेशेंट ठीक हो जाना चाहिए। माय नेम इज सरस्वती बालासुब्रमण्यन। आई हैव अ 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड रेणुका, हु इज अ डाउन सिंड्रोम चाइल्ड। And she from when she was 8 years old, she had this. She developed thyroid. I had consulted a pediatrician, and he had recommended Thyronorm. She had this thyroid problem since 2 years. There was no improvement. So I was thinking of some alternative. I watched his interview on television. Then I, with my child and my husband, we visited scientist Munir Khan. One of the doctor on the panel advised us to take us take body revival. Then she also told us you can directly meet scientist Munir Khan as well. So we saw him, and then he said it's not a big problem. He showed him the reports. Then he told us to start the medicine and keep on diet. So we did accordingly. We started this medicine on February. Now she is absolutely fine. We have taken the latest report. It has come down to 3.57, and she is absolutely fine. She had a cold as well, which is recurring cold throughout the year she used to have. But that also is under control, and she is absolutely fine. And I am thankful for Munir Khan. I have a message to all the parents who have special kids all over the world to try out scientist Munir Khan's medicine. And so whatever problem, like the child is suffering, will be solved, and such children can lead normal lives. I would request all the parents to at least look through this program, look at the program and decide for themselves, like how can it benefit their children in any way it can help them. थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं रजनी भाटी हूँ। मैं कुर्ला बॉम्बे से आई हुई हूँ। मैं मेरे लड़के के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरा लड़के को 7 साल पहले फिट्स आया था, फिर उसके पूरे बॉडी का हमने चेकअप किया। सीटी स्कैन के बाद हमारे को पता चला कि उसके सिर में 2 ब्लड की गांठें हैं। फिर उसके लिए हमने बहुत ट्रीटमेंट की, मिनिमम 5-6 लाख रुपये लगा चुके थे। उसका कुछ रिप्लाई नहीं, कुछ रिजल्ट नहीं, सिर्फ दवाई लेना। और उसको ये इसके कारण उसको उसके पढ़ाई में भी थोड़ा फर्क पड़ने लगा, उसका IQ भी कम होने लगा। IQ उसका कम ही हो रहा था ये वजह से। 7 साल से उसकी तकलीफ देख देख के हम खुद ही परेशान हो गए थे। वो लड़का भी इतना परेशान कि वो आम लड़कों की तरह रह नहीं सकता था, आम लड़कों की तरह खेल नहीं सकता था। उसको हर वक्त हमारे को देखना पड़ता था। पैसे की तकलीफ, घर से जितनी जमा पूंजी थी वो सब हमने लगा दी, फिर भी वो लड़के को कुछ आराम नहीं। अच्छा, फ्यूचर में उसका क्या होगा हमारे को ये भी नहीं पता था, क्योंकि कब तक उसको पैसा लगाएंगे हम लोग। फिर एक दिन मैंने साइंटिस्ट मुनीर खान का TV पे इंटरव्यू देखा। वो इंटरव्यू में ऐसे बहुत से लोगों का इंटरव्यू हो रहा था कि जो हार्ट पेशेंट थे, एड्स पेशेंट थे, कैंसर पेशेंट थे, जो रोग की दवाई ही नहीं है, वो ऐसे ऐसे रोगों का इलाज सिर्फ एक उनकी दवाई से हो रहा था। हमारे को नई आशा जागी, उम्मीद की नई किरण दिखाई दी। उसके बाद में मुनीर खान साहब के सर पास गई, उनसे मिली, उनको बच्चों को दिखाया, उनके डॉक्टर की टीम को मैंने सब मेरे रिपोर्ट्स दिखाए, मेरे बच्चों को दिखाया। फिर उन्होंने मेरे को ये सलाह दी कि आप मुनीर खान की बॉडी रिवाइवल ये दवाई लीजिए। फिर मेरे में और उम्मीद जागी,
और मैं उसी वक्त वो दवाई लेके गई घर पे, एक डोज दिया उसको, तो एक डोज में वो इतना इम्प्रूवमेंट हुआ कि वो आम लड़के की तरह बोलने लगा, टीवी के चैनल्स जो टीवी देखता नहीं था ज़्यादातर, अपने आप में ही रहता था, वो टीवी के चैनल्स घुमाने लगा। दूसरे तीसरे डोज में वो आम लड़के के बच्चों की तरह लड़कों लोगों में खेलने लगा कि वो खेलने से पहले डरता था। ऐसे ऐसे धीरे धीरे उसको इम्प्रूवमेंट होने लगा, उसके पढ़ाई में भी मेरे को इम्प्रूवमेंट आने लगा, उसके फर्स्ट टेस्ट सेकेंड टेस्ट में उसके मार्क्स अच्छे आने लगे। मैंने मिनिमम अभी तक उसको 2 बॉटल्स दी है, अभी 3 बॉटल्स लेके जा रही हूँ। अगर भगवान के बाद में किसी को मानती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मुनीर खान जी को। भगवान उनको लंबी आयु दे, क्योंकि ऐसे लाखों करोड़ों पेशेंट वो ठीक कर सके, और भगवान ऐसे लाखों करोड़ों पेशेंट की दुआ के वो हकदार है। नेचर हमारे लिए वरदान है। नेचर में व्याप्त हैं ऐसी जड़ी बूटियां जो हमारे लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकती हैं। साइंटिस्ट मुनीर खान ने भी नेचर को स्वास्थ्य लाभ के लिए इस्तेमाल किया है। अगर आप भी इस रिसर्च से लाभ लेना चाहते हैं या अपनी किसी समस्या के बारे में साइंटिस्ट मुनीर खान से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम दिव्या मध्यानी है, मैं अंधेरी लोखंडवाला की रहने वाली हूँ। ये मेरा बेटा है। मेरा बेटा श्रिंक होना चालू हो गया था, डॉक्टर ने मुझे अबॉर्शन के लिए डेट दे दी थी, लेकिन मैंने डिले किया और मैं डॉक्टर मुनीर खान, जो मेरी सिस्टर, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताया, मैं इनके पास आई और इनसे बॉडी रिवाइव की 2 बॉटल्स ली, और उससे मेरा बच्चे का वेट 1 महीने में 1 किलो बढ़ गया। नॉर्मल डिलीवरी से 2.5 किलो का बच्चा पैदा हुआ, ये अब 3 महीने का हो चुका है और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरी एडवाइस उन सब प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए है जो प्रेग्नेंट है और जिनका बच्चा श्रिंक हो रहा है या एबनॉर्मल है, या जिनको डॉक्टर्स ने कुछ भी एबनॉर्मलिटी उनकी प्रेगनेंसी में कही है, कि आप कुछ भी डॉक्टर बोले, अबॉर्शन कराने से पहले एक बार ज़रूर मुनीर डॉक्टर साइंटिस्ट मुनीर खान के यहाँ आके उनकी मेडिसिन बॉडी रिवाइवल एक बार ले लीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होएगा। ये वो दिन था जब मेरे को ये अबॉर्शन कराना था, और ये आज का दिन है जब मेरा बेबी मेरे लैप में बैठा है और एकदम हेल्दी है और उसका अच्छा ग्रोथ भी है। इसके लिए मैं सिर्फ मुनीर खान, डॉक्टर मुनीर खान को थैंक्स करना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी लाइफ, मेरा पहला बेबी था और मुझे बेबी किसी भी हालत में चाहिए था। आई वॉज वेरी नर्वस और आज मैं बहुत खुश हूँ, एंड ऑल थैंक्स टू डॉक्टर मुनीर खान। माई नेम इज क्रिस्टोफर राल्फ नाइट, रिजाइडिंग एट मरोल पाइपलाइन अंधेरी ईस्ट। लास्ट ऑगस्ट व्हेन आई वेंट टू यूरिनेट आई पास्ड ब्लड, एंड हेंस आई वेंट टू द family doctor of mine, and he insisted that I go for a sonography. Where I went to a sonography center, I got my sonography done, and when I got the report, I came back to him with the reports, and he said, Chris, don't be afraid, but I'm telling you something very serious. It's prostate cancer. And then he says, you do something quickly, don't waste time, because it is growing. I went to the hospital, got my CT scan done. There I spent for that CT scan around about 15,000 rupees. And then they told me I had to remove the gland and I would be in hospital for at least 1.5 months because I had to go under the chemotherapy. But the budget, they said, would come up to around about 2 to 3 lakhs. And since my wife had seen Munir Khan on TV, and many patients being interviewed that his medicine was working with them, I insisted with my wife and my son, when I went to scientist Munir Khan at Vasova and showed my report to the doctors there, they told me to take body revival. And I did buy a bottle that day in the afternoon and started with my medication that very day. For the first 9 days, nothing went wrong. But on the 9th day, I started bleeding very heavily, very severely, for a period of 11 days. I was only passing blood through my urine. And by that time, that ulcer had already bursted inside. And I was not frightened then, because I knew his medicine was working on me. And it gave me more courage to go and buy a second bottle. And when I went there the second time to meet Munir Khan, he told me, he says, now you need not worry, your operation is over and you're getting healed. Keep taking this medicine every
alternate day now. And now since I've completed my 3 bottles, I went for a test and my reports are clear. I'm really very grateful and thankful to Munir Khan that I am alive today and he's helping so many people. Where doctors can't do things for cancer patients, well, Munir Khan can do a lot for them. I want to mention one more thing. When I got this attack in August, my son's wedding was there in January. And I thought I would not live for his wedding. But because of Munir Khan, his medicine, Body Revival, I was there present for my son's wedding, and I'm still alive, hale and hearty, and on work today. भाई उजाला आएगा, तो अंधेरा अपने आप ही चला जाएगा। दवाई से बीमार ठीक होता है, बीमारियों से मेरे को कोई लेन-देन नहीं है। जब बीमार ठीक होगा, तो बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। मैं रमेश चंद उपाध्याय, लोअर परेल से आया हूँ। मेरी लड़की मनीषा उपाध्याय, जिसकी उम्र 10 साल है, उसकी किडनी की सारी नसें ब्लॉक हो गई थी, उसको हाइपरटेंशन हो गया था, डॉक्टर बोले एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा, तो मैंने बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट किया, वहाँ पे एंजियोप्लास्टी कराया, एंजियोप्लास्टी कराने के बाद भी उसे आराम नहीं हुआ, 4-5 महीना, 6 महीना बीत गया, बीपी उसका ज़्यादा ही रहता था, 140-150 हो जाता था, तो मैं बहुत हैरान हो गया, यहाँ वहाँ सब जगह भागा। उसके बाद मैंने टीवी पे प्रोग्राम देखा मुनीर खान साहब का, मुनीर खान का प्रोग्राम देखने के बाद मैंने फैसला किया कि अब मैं यहाँ जाऊँगा, उसके बाद जो कुछ भी होगा सब मंजूर होगा। मैं खान साहब के क्लिनिक पे आया, वहाँ उनके डॉक्टरों को रिपोर्ट दिखाया, सारी डॉक्टरों ने रिपोर्ट खान साहब को दिखाया, खान साहब देखे तो बोले कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, आराम हो जाएगा, तो मैंने उनके कहने पर दवा लिया, एक बॉटल से लिया, स्टार्ट किया, एक बॉटल में 3-4 खुराक में ही उसको बहुत रिलैक्स हो गया, तो उसके बाद में बहुत आराम हो गया, अभी दवा उनका ले रहा हूँ, मैंने 2 बॉटल ख़त्म की, 3री बॉटल चालू है और एकदम आराम हो गया है। मेरी बच्ची अभी अगले साल 10 दिन सिर्फ स्कूल गई थी, अभी रेगुलर जा रही थी, अभी बहुत आराम है। खान साहब की दवाई बॉडी रिवाइवल लेने से मेरी लड़की की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, आज वो अपना सारा काम कर रही है, स्कूल जा रही है, सब कुछ अच्छा खेल कूद रही है, खा पी रही है, एकदम स्वस्थ है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। खान साहब को भगवान लंबी उम्र दे, यही कामना करता हूँ, क्योंकि उनके वजह से बहुत से पेशेंट को लाभ हो रहा है। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद पटेल है, मैं मोहम्मद अली रोड पे रहता हूँ। मेरी मम्मी को 5 साल से डायबिटीज़ की बीमारी थी, उन्होंने बहुत एलोपैथिक इलाज किए, लेकिन वो बीमारी ठीक होने से रही, और ये थायराइड और टीबी की शिकायत हो गई, उन दौरान ये बीमारी ठीक होने से रही, फिर मेरी मम्मी की हालत कुछ ख़राब होने लगी, तो हम लोग और परेशान हो गए, फिर हमने हिम्मत हार के फिर टीवी में देखा, तो टीवी में साइंटिस्ट मुनीर खान साहब का इंटरव्यू देखा, जब हम साइंटिस्ट मुनीर खान साहब के पास गए, तब उनकी डॉक्टर की टीम थी, उन्होंने हमारी मम्मी का रिपोर्ट देखा, उन्होंने दवाई दी बॉडी रिवाइव करके, और डॉक्टर साहब से हम मिले, ये साइंटिस्ट मुनीर खान साहब से, तो उन्होंने हमें दिलासा दिया कि आप टेंशन मत लीजिए, आपकी मम्मी बिल्कुल इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। फिर हमने दवा लेके गए, तो मेरी मम्मी को काफ़ी अच्छा महसूस हुआ, फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने 2-3 बाटली लिए, और उनके बाद उनकी थायराइड और टीबी तो निकल गई, और डायबिटीज़ भी माशाल्लाह लेवल में, मेरी मम्मी अभी काफ़ी अच्छे हो गए हैं, उनके लिए मैं खान साहब को धन्यवाद कहूँगा, और उनकी लंबी उम्र की दुआ करूँगा, और अल्लाह उनको और सलामत रखे ताकि दूसरे लोग का इलाज कर सके। नेचर हमारे लिए वरदान है, नेचर में व्याप्त हैं ऐसी जड़ी बूटियां जो हमारे लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकती हैं। साइंटिस्ट मुनीर खान ने भी नेचर को स्वास्थ्य लाभ के लिए इस्तेमाल किया है। अगर आप भी इस रिसर्च से लाभ लेना चाहते हैं या अपनी किसी समस्या के बारे में साइंटिस्ट मुनीर खान से कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं साइंटिस्ट मुनीर खान, एक्सीलेंसी प्रीमाइसेस नंबर 4, SP पटेल नगर, महाडा लेआउट, अपोजिट वर्सोवा MTNL टेलीफोन एक्सचेंज, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400053।
समुद्र के किनारों से टकराती हुई मौजें, किनारों पर आसमान से बातें करती हुई ऊंची इमारतें, कहीं दूर